जेनेटिक डिफेक्ट मतलब बचपन में पैदा होते वक्त एक डिफेक्ट हो गया राइट और वो डिफेक्ट होने के बाद वो भी ठीक हो जाए तो ये एक बड़ी बात है राइट तो मैंने ऐसा ही एक केस देखा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा एक केस दैट इज़ कॉल्ड आर्ट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट राइट ए एस डी ए एस डी क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो हार्ट के चार चैम्बर होते हैं और दो चैम्बर के बीच में जो वॉल होता है उस वॉल में छेद सिंपल भाषण बोलते हैं हार्ट में होल छेद होने से क्या होता है ब्लड को जिस डायरेक्शन में फ्लो करना है उस डायरेक्शन में फ्लो ना करके थोड़ा सा ब्लड उल्टे डायरेक्शन में भी फ्लो करने लगता है और ऐसे जो लोग होते हैं या तो बचपन में उसको पता नहीं चलता जब वो पचास साल साठ साल की उम्र में होते हैं तब सिम्टम आने लगते हैं और इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता सर्जरी से थोड़ी बहुत आयु रहती है या नहीं रहती दैट इज़ ए डिबेटेबल बट उस पेशेंट की जो हालत है आखिरी जिंदगी वो बहुत ही मुश्किल से या पेनफुली गुजरती है तो कुछ समय पहले की बात है ऐसे ही एक पेशेंट आए क्योंकि उनका बेटा जो है वो हमारे साथ डायबिटीज एजुकेटर थे काफ़ी समय से पिछले दस सालों से तो और उसके बाद उन्होंने ये डाइट शुरू किया और डाइट शुरू करने के बाद उन्होंने दो महीने के अंदर उनका ऑक्सीजन छूट गया उनकी दवाइयाँ छूट गई उन्होंने रिपोर्ट सारे कराए और रिपोर्ट भी सारे नॉर्मल आ गए हाँ और इंसिडेंटली वो सज्जन आज हमारे बीच में हैं सुभाष जी आप हैं यहाँ पर अरे देर आइए सर तो देखिए जेनेटिक डिफेक्ट जो बचपन में हुआ था वो ठीक हो गया हो तो ये छोटी बात नहीं है किसी भी किसी भी एंगल से आइए इंसिडेंटली मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ आपसे राइट तो इसका मतलब ये कि मैंने इनको ठीक नहीं किया इन्होंने खुद को ठीक किया पहली बात तो ये क्लियर होती है राइट तो और विनोद से हम मेरी बातचीत होती रहती थी दस साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को और ये अपने घर पे डाइट कराते थे लेकिन आगे फिर मैंने आपके सारे डेटा सारा कुछ लिया इनके मेडिकल रिपोर्ट पहले का पोस्ट का हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट और मैंने उसको जर्नल में पब्लिश कराया वो जर्नल का जो पब्लिश रिसर्च पेपर है मेरा वो केस स्टडी पेपर वो पेपर भी आप मेरे साइट में या उस जर्नल की साइट में देख सकते हैं लेकिन आप तीन चार मिनट में अपने मुँह से एग्जैक्ट चीज़ों को थोड़ा बताइए सो दैट इससे एक डायरेक्शन मिलेगा आप सभी का नमस्कार मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है मैं अजमेर राजस्थान में रहता हूं। आर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं डिप्टी सेक्रेटरी था रिटायर हो गया पिछले साल अभी मैं इकसठ साल का हूं। पिछले साल मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो मेरे बेटे ने मुझे डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने जब मेरा सैचुरेटेड ऑक्सीजन चेक किया वो उस समय मेरा सेवेंटी फाइव आ रहा था तो उन्होंने इमिजिएट कहा मुझे हॉस्पिटलाइज होने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था हॉस्पिटल ले गए मुझे पहले तो अजमेर का बड़ा फेमस अस्पताल है मित्तल हॉस्पिटल वहाँ दिखाया उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनहेल की और मेरे टेस्ट हुए इकोकार्डियोग्राफी और भी कई सारे दस बीस तरह के टेस्ट बाद में मैं जे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहाँ भी कंटिन्यूसली चौबीस घंटे ऑक्सीजन पर ही रहना पड़ता था मुझे उसके बाद में डॉक्टर ने कहा देर इज़ नो ऑप्शन ये पंद्रह दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे क्योंकि इनका हार्ट में छेद है ए एस डी हार्ट में छेद है और वो इस स्टेज पर है कि ऑपरेशन होने लायक नहीं है तो काफ़ी परेशान हो गया मैं मेरे बेटे ने वो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स अहमदाबाद के बड़े हॉस्पिटल में चेक करने के लिए भेजी वहाँ खुद गए तो उन्होंने कहा भाई इसका सर्जरी ही एकमात्र इलाज है और चूंकि ये केस बड़ा क्रिटिकल है अब सर्जरी भी नहीं हो सकती अब तो इनको बस हॉस्पिटल ले जाओ वहाँ 24 फोर आवर ऑक्सीजन पर रखेंगे और जितना समय निकल सकता है निकल जाएगा उसके बाद में मेरे बेटे ने डॉक्टर विश्व राज चौधरी सर से बात की उन्होंने मेरे सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी फाइल देखी फिर उन्होंने मेरे को कहा कि जो एक डाइट चार्ट है वो सजेस्ट किया मेरे पास ऑपरे और, और कोई ऑप्शन था नहीं सर्जरी डॉक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जन ही करने से मना कर रहे हैं और मैं कराना भी नहीं चाहता था डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं नाइन्टी नाइन परसेंट रिस्क ही मामला ऑपरेशन का और फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं तो मैंने वो डाइट चार्ट ही लेना शुरू किया चमत्कारिक रूप से मेरे को ठीक होना मैं महसूस किया करीब सात दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल से रिलीज़ हो गया और रिलीज होने के बाद ये डाइट चार्ट कंटिन्यूसली लेता रहा सुबह जूस और जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया उस चार्ट को फॉलोअप करता रहा और लगभग दो महीने तीन महीने में छुट्टियों पर रहा कंटीन्यूसली चार्ट को लिया उसमें मेरे सभी घर वालों का मुझे सहयोग था कि टाइम पर मुझे जूस देना और सैलेट देना और जो भी चीज़ उन्होंने सजेस्ट की है वो देना वो लेते लेते मेरे को ऑक्सीजन लेने की जो ज़रूरत कम हुई क्योंकि हॉस्पिटल से रिलीज होते ही घर पे मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे और कंटीन्यूसली मतलब एक बड़ा सिलेंडर है जो सत्रह घंटे ही काम करता था तो हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा सिलेंडर आता था फिर धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेना कम हुआ और करीबन एक महीने के अंदर अंदर तो मुझे ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं रही <laughs> <laughs> उसके बाद मैं पहले ऐसा हमारी हालत थी कि दस कदम में चलता हूँ सांस फूल जाती थी सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए लेकिन अभी हम राजस्थान से फ्लाई करके आए हैं आई, आई एयरपोर्ट से मेट्रो में लगभग पाँच सात किलोमीटर पैदल भी चले होंगे कई जगह सीढ़ियाँ भी आई होगी मैं ईजीली चढ़ जाता हूँ आज मैंने नौकरी से रिटायर होने के बाद वापस मैंने जॉब भी ज्वाइन कर रखा है और ये डाइट चार्ट कंटिन्यूसली मैं फॉलो कर रहा हूँ थैंक्स डॉक्टर बिशू रहा चौधरी और आप सभी का धन्यवाद 안녕하세요. 안녕하